नमस्कार दोस्तों, आप सबका YouTube चैनल टारगेट पॉइंट 23 में स्वागत है। आज का वीडियो आप सबों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज एक बार फिर से मैं आप सबों के लिए कमेंट का बोरा लेकर के आया हूं। कमेंट का बोरा, जब बोरा खुलेगा तो पूरा कमेंट का जवाब, आप कमेंट किए हो तो भी आपके लिए फायदेमंद, नहीं किए हैं तो भी फायदेमंद, किए होंगे तो भी आपको उसका जवाब सुनने को मिल जाएगा, नहीं किए हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर आप लगाए हुए हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफर लगा दिए हैं उनके लिए फायदेमंद, जो लगाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए फायदेमंद, क्योंकि सारा कमेंट लगभग म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड ही है, जिसका जवाब मैं आज एक एक करके देने वाला हूँ। और कमेंट भी बेहतरीन बेहतरीन है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे। हाँ दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नई नई जानकारियां, इस तरह के हर कमेंट का जवाब सिर्फ हमारे चैनल से ही मिलेगा। तो दोस्तों, किसी प्रकार का कमेंट यदि आपके मन में भी हो आप भी कमेंट कर सकते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का जवाब डायरेक्ट आप तक पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना जरूरी है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला कमेंट है सुमनेश मीना जी का, तो ये लिखते हैं कोटा का SC एंड भोपाल का ST में म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। अब आप लोग बताइए इस कमेंट में क्या है, आपको वैसे आ रहा होगा कोटा का SC एंड भोपाल का ST। अरे भाई, कम से कम पोस्ट तो लिख देते, ग्रेड भी तो लिख देते, इसका इस पोस्ट पे है, इनिशियल ग्रेड पे ये है, प्रमोशन हो गया, ये हो गया, मतलब जो भी डिटेल्स है कम से कम कुछ तो लिख देते। अब ऐसे मैं क्या बताऊं, कोटा का SC, भोपाल का ST, ठीक है। अगला कमेंट है इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर ग्रुप D SNT का इंजीनियरिंग में हो सकता है, ट्रांसफर के लिए मिनिमम सर्विस क्या है, ठीक है। इनका नाम, इन भाई साहब का नाम नहीं शो कर रहा था ये, ठीक है। तो इनमें जाकर के इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफर ग्रुप D SNT का इंजीनियरिंग में ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इंजीनियरिंग में है, SNT में है, ग्रुप D में है, बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है, दोनों म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं। और इनका लिखना है कि इसके लिए क्या मिनिमम सर्विस, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए मिनिमम सर्विस की आवश्यकता नहीं है, इसके पर भी मेरा वीडियो है, आप डिटेल से और डिटेल विस्तार से जानना चाहें म्यूचुअल ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट स्पाउस ग्राउंड जो भी, इन सारी चीजों में वीडियो है, आप जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो है और वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए अगला कमेंट सचिन जी का है, ये लिखते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर में HRMS में जो रेड स्टार वाले हैं उनको पूरा कंप्लीट होना जरूरी है क्या, जैसे फैमिली डिटेल्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप जाइए म्यूचुअल ट्रांसफर का फॉर्म खोलिए। अब म्यूचुअल ट्रांसफर का किस तरह से फॉर्म खोलें, किस तरह से भरना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, म्यूचुअल ट्रांसफर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप जाइए एक बार वहां से, एक बार न्यू फॉर्म अप्लाई करने का कोशिश करिएगा, जब फॉर्म खुलेगा तो वहां से आप देख लीजिएगा उसमें कौन कौन सा रजिस्टर है, क्या क्या जानकारी जरूरी है, अगर वो जानकारी आपका सही नहीं है तो जानकारी पहले सुधार लीजिएगा, सारा अपडेट आप कर लीजिएगा, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर लगाइएगा, ठीक है। उसमें जो भी डिटेल रहेगा, आपका एड्रेस का रहेगा या इनिशियल ग्रेड पे रहेगा, जो भी रहेगा सारा चीज देख लीजिएगा, उसके बाद वो चीजें सुधार लीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा, ठीक है। और रजिस्टर वाले को भरना तो जरूरी है ही है, बिना भरे आपका सबमिट भी नहीं होगा, ठीक है। अगला कमेंट है इलेक्शन के समय म्यूचुअल ट्रांसफर का काम रुक जाएगा क्या, अरे भाई इलेक्शन से म्यूचुअल ट्रांसफर को कोई लेना देना नहीं है, ये चलता रहेगा, ठीक है। इसमें ये कई लोगों का कमेंट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल ट्रांसफर आपका चलता रहेगा, इस पे रोकने का बात नहीं है, ठीक। अगला कमेंट है गुड्डू कुमार जी का, ये लिखते हैं सर अकाउंट असिस्टेंट ग्रेड पे 4200 UR और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ग्रेड पे 2800 SC में म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो गुड्डू जी आपको बता दें कि एक तो अकाउंट असिस्टेंट है 4200 में, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है 2800 में, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर तो हो जाएगा, दोनों अलग अलग, एक SC से एक जनरल से, ठीक है। लेकिन आपको इसमें जो है ना बॉटम सेनेटरी 60 आपको इनिशियल ग्रेड में जाना पड़ेगा, कंडीशन इसके साथ ये है, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं, अगला कमेंट है शिवनाथ दास जी का, ये लिखते हैं D&AR और विजिलेंस का वैलिडिटी कितने दिन का होता है। भाई इसमें वैलिडिटी का तो क्या ही कहा जाए, आज आप D&AR ऑफिस से बनवा लिए, विजिलेंस भी आप मंगवा लिए, और कल हो सकता है जाकर के आपके ऊपर कोई पनिशमेंट लग जाए, तो इसका कहना मुश्किल है ना, कल ही रह सकता है, कल ही विजिलेंस में कोई केस के साथ में आप वो हो सकते हैं,
इसका कारण वो नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जब भी इन चीजों का जरूरत होता है वो तुरंत मांगते हैं। ऐसे नहीं कि आप बनवा कर रख लीजिए आपका 6 महीना बाद काम आएगा, ठीक है, आपको उसी समय का मांगता है कि आप अभी आज जैसे जरूरत पड़ेगा तो आपसे मांगेगा, आप बनवा के दीजिएगा ऑफिस में, ऑफिस से वो ले लेगा, ठीक है, इस तरह होता है। अगला कमेंट है मयंक जी का, ये लिखते हैं सर मेरा डिवीजन अंबाला और कैटेगरी ओबीसी है, दूसरे का डिवीजन अजमेर कैटेगरी एससी है, पोस्ट सीनियर सीसीटीसी आरआरबी से, इनिशियल ग्रेड पे 2800, म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा यदि दोनों का पोस्ट सीनियर सीसीटीसी है तो भी हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल ग्रेड पे 2800 है, समझ रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर आपका हो जाएगा, बॉटम सीनियरिटी का शर्त जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और हाँ दोस्तों यदि कमेंट देखते हैं कमेंट का जवाब सुनते सुनते आपके मन में भी कोई जवाब आ रहा है आप फटाक से कमेंट कीजिए, आपके सवाल का भी जवाब वीडियो बना के मैं जरूर दूंगा, ठीक है। अगला कमेंट है जयेश जी का, ये लिखते हैं मैं एनडीसी से जेई बना हूं, दूसरा आरआरबी से, दोनों सेम ग्रेड एंड सेम कैटेगरी में है, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या नहीं? दोनों सेम ग्रेड में है, सेम कैटेगरी से है, म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा, अलग अलग कैटेगरी से रहते तो भी हो जाता, उसमें भी कंडीशन है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, चिंता ना करें। अगला है अभिषेक जी का कमेंट है, ये लिखते हैं सर मेरा पेमेंट आया है लेकिन एनपीएस नहीं कटा है तो क्या म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज के कमेंट में बस इतना ही, कमेंट तो बहुत ज्यादा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के कमेंट में बस इतना ही, बाकी बचा कमेंट बहुत सारा है, अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हाँ दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपके हर कमेंट का जवाब मिलते रहेगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।